लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे राधिका की विदाई उस घर से नहीं होनी चाहिए। मिस्टर देव, इनके शरीर के घाव तो दवाइयों से भर जाएंगे पर इनके मन के घावों को भरने की जिम्मेदारी आपकी है। जी तमाशा तो होगा पूरब, ऑफ कोर्स होगा, और ये तमाशा मेरी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा देगा। क्या करने का प्लान है क्यूटीज? बीड़ को हटा, बीड़ ले जा, बीड़ को लेके जाओ, वो गर्मी लग रही है। आप राधिका को अंदर ले जाइए। जी बहुत दर्द कर रहा है, लेके जाओ, लेके जाओ। ये पानी पियो। अम्मा को बोलने में कितनी तकलीफ हो रही है, सोने में, बैठने में, चलने में बहुत दर्द हो रहा है उन्हें। मैं ही उनका दर्द समझ सकती हूँ। उन्हें कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा। तुम चिंता मत करो राधिका, बाबूजी कहे हैं ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा, वो दवाइयां ले आएंगे। अच्छा तुम्हारी दवाइयों का वक्त हो चुका है, मैं तुम्हारी दवाइयां ले आता हूँ, तब तक तुम आराम करो, ठीक है? बिटिया तू चाची से बोलना कि गौरिया तू इको यहाँ लेकर काहे आई, घर में लावे की का जरूरत थी? अम्मा जी धीरे बोलिए, देव बाबू सुन लेंगे। तू चुप कर, यहाँ उको घर में लावे की का जरूरत थी, वो को शक्ल दिखावे की का जरूरत थी? अम्मा आप भी तू चुप कर बिटिया, जब बड़े बात करत है ना तो छोटे बीच में ना बोलत है। अम्मा जी विदाई तो घर से ही होती है ना, और यही रस्म है, और फिर राधिका का भी यही मन था कि विदाई इसी आंगन से हो। उइया विदाई के लिए ना आई है, मोरी जान लेने को आई है, मोको मारने आई है। उको छुए से देख देख ही सब का होगा, मोर शक देख, मोर हाथ देख, बौरिया कहाँ हो गया मुको? डोले कभी ना उठेगी,
को कलमुई का कभी कच्चू ना होवेगो। अम्मा जी आप ये सारी बातें मत सोचिए, आप आराम करिए नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। बिटिया जा तू नंदू के यहाँ से दूध लेकर आ जा, मैं छत पर जा रही हूँ जरा साफ सफाई देख लूंगी। जी अम्मा जी आप आराम कर लीजिए। कुछ चल गया पर चेहरा बच गया। इस चेहरे के मारे देव बाबू ने उन विशाखा को छोड़ दियो। इस छोरी की वजह से मुको इतना दुख सहनो पड़ रहो है। इस छोरी बार बार मुको याद दिलावत है कि मोरी हार भई है, पर हम अपनी हार ना मानो, कतई ना मानो। गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाद्भुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणो रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्।
कैसे है? क्या हुआ मां? आप यहाँ आई क्यों? और ये सब कैसे हो गया? वो चाय पीने का मन कर रहा था तो चाय बना रही थी, एक एक करार सुनी तो यहाँ उनको देखन को आई, आप फिसल गयो। इसकी कराह सुनकर आप एक गर्म पानी का पतीला लेकर चली आई। सवाल ना कर मुझसे, ई मनहूस के घर में रहते हुए कछु भी काम हो तो कम है। इकी वजह से ही तो मुझको इतना दुख सहनो पड़ रहा है। ये सब राधिका के कारण नहीं है अम्मा, ये सब आपके कर्मों की वजह से है। आप राधिका के बारे में हमेशा बुरा सोचती हैं, हमेशा उस बेचारी को बुरा भला कहती रहती हैं, इसलिए कान्हा आपको सजा दे रहे हैं। कृष्णाय गोविंदाय। अच्छा ठीक है, आप उठिए आराम से। ठाकुर जी, कलमोई की वजह से अम्मा अभी भी समझ जाइए, वरना कान्हा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अब बिटिया तू आराम कर। चलिए आराम से। प्राण निकल रहा है गिरधारी, मुझको बचाई लो ठाकुर जी, मुझको बचाई लो, बचाई लो ठाकुर गिरधारी, मुझको बचाई लो। विशाखा जा बिटिया, जरा जल्दी से हल्दी चंदन का लेप ले आ, फूलों पे गरम पानी गिर गया है। बचाई लो गिरधारी, तबीयत और खराब हो जाएगी अम्मा जी की। माँ मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक हो जाएगा अम्मा जी। आप ऐसे मुस्कुरा नहीं सकते कान्हा, अगर आपने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अम्मा ने मेरे साथ बुरा किया है तो ऐसा मत कीजिए। वो मेरे बाबूजी की माँ है, मेरी दादी है वो, इस घर की बड़ी है वो, उन्हें कष्ट मत दो कान्हा, मत दो। कष्ट तो उन्हें सहना ही होगा। नारे, नारा, क्यों कान्हा, क्यों मिल रहा है उन्हें ये दंड? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मेरे भाग्य में लिखा था, लेकिन उसका दंड उन्हें क्यों मिल रहा है कान्हा? फिर जो कुछ भी हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है कान्हा, उन्हें और दर्द मत पहुंचाओ कान्हा, मत पहुंचाओ। अच्छे के साथ सदा अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। पर
यहाँ बुरा मेरे साथ हो रहा है काना, मैं अम्मा को इस हालत में नहीं देख सकती। अम्मा को ऐसे कष्ट पाते देख चोट मुझे पहुंच रही है काना। उन्हें अपने किए का दंड भोगना ही होगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं उसमें गिर जाते हैं। प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। आपने तो अपनी बात कह दी काना, लेकिन अब एक भक्त की हट को भी देख लीजिए। तो अब मैं उनके दुख अपनाऊंगी काना, आपको अम्मा के दुख हरने होके काना, ने इस कष्ट से उभारना होगा। अम्मा जी ऐसी बातें मत कीजिए आप। गुरुजी